भगवान पतंजलि, भगवान महावीर और भगवान श्री बुद्ध के द्वारा मानव समाज के कल्याण के लिए जितने पवित्र संदेश और उपदेश दिए गए, वे अपने समय में जितने सार्थक थे उससे कहीं ज़्यादा उनकी उपयोगिता वर्तमान में है। अतीत में भी भ्रष्टाचार और रिश्वत के प्रसंग और उदाहरण देखने को मिलते हैं। कंस और रावण के अत्याचार अतीत के प्रसंगों में पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन जितनी रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार या अत्याचार अतीत में कभी हुआ करते थे, वर्तमान उन अत्याचारों से अछूता नहीं है। यही वजह है कि उस समय उनके द्वारा दिए गए उपदेशों की जितनी उपयोगिता थी, वर्तमान में उससे कहीं ज्यादा उपयोगिता है। महर्षि पतंजलि ने अपनी ओर से योग के एक एक द्वार खोलते हुए हमारे सामने सबसे पहले द्वार खोला है और वो है यम। यम अर्थात अंकुश लगाना। यम जैसे सिद्धांतों की प्रेरणा देने के पीछे पहला और अंतिम उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने जीवन में नैतिक और जीवन मूल्यों को आत्मसात करे। कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो जाए, समाधि की ऊंचाइयों को क्यों न छू ले, बौद्धिक ऊंचाइयों को क्यों न उपलब्ध कर ले, पर अगर उस इंसान के पास उसके चरित्र की ज्योति नहीं है, उसके पास अपने ईमान की सुवास नहीं है, उस इंसान के पास अगर नैतिक मूल्य नहीं है, तो परिणाम यह होगा कि व्यक्ति एक संस्कार विहीन इंसान बन जाएगा, जिसे इंसान के साथ कैसा इंसानी व्यवहार करना चाहिए इस बात का बोध नहीं होगा। पतंजलि अपनी ओर से योग का पहला द्वार देते हैं और वो है यम। जैसे हाथी पर अंकुश उपयोगी होता है, जैसे घोड़े के लिए लगाम कारगर होती है, वैसे ही योग साधना के मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक साधक और व्यक्ति के लिए यम की आवश्यकता होती है। यम अर्थात संयम। संयम अर्थात सम्यक प्रकार से अपने मन वचन काया की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने का नाम है संयम। यम यानी अंकुश, सम यम, सम यानी सम्यक प्रकार से, तो मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, काया के द्वारा होने वाली समस्त गतिविधियों पर सम्यक प्रकार से अंकुश लगाना, इसका नाम है यम अर्थात संयम। हम लोग जब यम की चर्चा कर रहे हैं तो इसी के तहत अपन लोगों ने पांच यम समझे और वो हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये पांच यम हैं, यही महावीर के पांच अणुव्रत हैं और यही बुद्ध के पंच शील कहलाते हैं। जब हम अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे पांच तत्वों पर चर्चा कर रहे हैं, तो पहले चरण में तो ये बात भली भांति समझ में आ जाती है कि भले ही महावीर का धर्म जैन धर्म कहलाता हो, बुद्ध का धर्म बौद्ध धर्म कहलाता हो, पतंजलि का धर्म सनातन धर्म कहलाता हो, पर सच्चाई यह है ये सारे धर्म और इन सारे धर्मों का नवनीत अगर किसी को कहा जाए
प्रथम द्वार अगर किसी को कहा जाए तो वो ये पांच यम हैं, पांच व्रत हैं। शायद जैनों की फिलॉसफी अलग होगी, बौद्धों की फिलॉसफी अलग होगी, वैदिक और सनातनियों की फिलॉसफी अलग होगी, लेकिन नैतिक मूल्यों की जब हम चर्चा करेंगे, जीवन मूल्यों की जब हम चर्चा करेंगे, तो दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिन्होंने अपनी ओर से नैतिक मूल्य अलग अलग स्थापित किए हों। अगर हम पूरी दुनिया पर न भी जाएं, तब भी हम अपने भारत के तीन खास परंपराओं को अगर आपस में जोड़ते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो तीनों परंपराएं एक धरातल पर आकर के खड़ी हो जाती है, और उनके हिसाब से चाहे योग की साधना करनी हो, चाहे धर्म की साधना करनी हो, चाहे जीवन मूल्य और नैतिक मूल्यों की साधना करनी हो, पांच यम चाहिए, पांच संयम चाहिए, पांच व्रत चाहिए, पांच शील चाहिए। शब्द अलग अलग परंपरा वालों ने अपनी मौलिक स्थापना करने के लिए अलग अलग नाम उपनाम संज्ञाएं दे डाली, पर जब रास्ते ढूंढने शुरू किए तो इन तीनों महापुरुषों को इनके अलावा और कोई रास्ता नजर ही ना आया। उन्हें लगा कि अहिंसा कहते ही सेवा, दया, करुणा, प्रेम सब कुछ आकर समाहित हो जाता है, सत्य कहते ही शिवम और सौंदर्यम की अपने आप स्थापना हो जाती है, अचौर्य कहते ही, अस्तेय कहते ही व्यक्ति के साथ उसकी प्रामाणिकता और ईमान आ जाता है, ब्रह्मचर्य कहते ही जीवन में एक दूसरे के प्रति पवित्रता स्थापित हो जाती है, और अपरिग्रह कहते ही सामाजिक वात्सल्य, सामाजिक सहभागिता, सामाजिक समरसता अपने आप आ जाती है। तो पांच व्रत कहो, पांच यम कहो, पंचशील कहो, कुल मिलाकर के यह एक ऐसा पंचामृत है जिसे कि इस संपूर्ण भारत के द्वारा अगर दुनिया को कोई पैगाम दिया जाना चाहिए कि आज जब किसी देश में अगर गरीबी और अमीरी की भेद रेखाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, किसी देश में अगर भ्रष्टाचार फैल गया है, किसी देश में अगर सेक्स, राजनीति, व्यसन ये बेशुमार अगर बढ़ते चले गए हैं, या कहीं पर डाकागिरी, चोरी, लूट खसोट, किसी भी रूप में अगर अनैतिकताएं स्थापित होती चली गई हैं, तो भारत की ओर से एक ही पैगाम होना चाहिए, इस देश की संस्कृति के द्वारा पूरे विश्व के नाम पर एक ही संदेश होना चाहिए कि ये सारा संसार पांच तत्वों को अपनाए, पांच संयम, पांच व्रत, पांच शील, पंचामृतम। पहला है अहिंसा। अहिंसा के तत्व को जीने के लिए ही अपन लोगों ने ये बात भली भांति समझ ली थी कि यदि हमें अहिंसा को जीना है तो मन के तल पर भी जीना होगा, वाणी के तल पर भी जीना होगा, और काया के तल पर भी जीना होगा। मानसिक हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए सोच को सकारात्मक रखो, विचारों को सकारात्मक रखो, ताकि दूसरे के द्वारा हमारे प्रति किए जाने वाले हल्के व्यवहार के बावजूद हमारे द्वारा उनके प्रति क्रोधपूर्ण, उपेक्षापूर्ण, नफरत भरा बर्ताव न हो जाए, इसीलिए सकारात्मक सोच। अर्थात अहिंसा को मानसिक धरातल पर कैसे जिया जाए, तो पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाते हुए, पॉजिटिव थिंकिंग अपनाते हुए व्यक्ति दूसरों के प्रति अपनी ओर से अच्छा, सकारात्मक, उदारतापूर्ण, सौम्य व्यवहार करे। वाणीगत हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए मिठास से बोलो, विनम्रता से बोलो, तहजीब से बोलो, अपने अहंकार को तोड़ते हुए बोलो, ईगो को हटाते हुए अपनी भाषा का उपयोग करो, और जब भी किसी से बोलो तो ऐसे लगना चाहिए कि ये बोल नहीं रहा,
जैसे कि हमें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहा है। अतीत हमने नहीं देखा, भविष्य हम देखेंगे या नहीं देखेंगे नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। इसीलिए वर्तमान को प्रेजेंट कहते हैं और उपहार को भी प्रेजेंट कहते हैं। तो वर्तमान स्वयं एक उपहार है, वर्तमान स्वयं ही एक उपहार है, और अपने वर्तमान को उपहार पूर्ण बनाने के लिए, अपने प्रेजेंट को प्रेजेंटेशन ठीक से करने के लिए, उसको उपहार पूर्ण बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी वाणी का तहजीब से तरीके से इस्तेमाल करें। और कायिक हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए समिति और गुप्ती का पालन करें, अर्थात अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति को बोधपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, होशपूर्वक संपादित करें। चलें तो विवेकपूर्वक, खाएं तो विवेकपूर्वक, समिति पूर्वक, करवट बदलें, भोजन भी अगर लें तो शाकाहार लें, रात्रि भोजन पर अंकुश लगाएं, जहां तक हो सके पूरी पवित्रता से, सात्विकता से आहार लें। तो ये सब वो तरीके होते हैं, पानी को छान कर पिए। समिति और गुप्ती, ये जो शब्द आते हैं, सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करो, और प्रवृत्ति करते हुए भी अगर लगे कि गलती हो रही है तो उस पर अंकुश लगा लो। इस अंकुश लगाने का नाम ही है गुप्ती। अहिंसा मन के धरातल पर, वाणी के धरातल पर, काया के धरातल पर हमें हिंसा पर अंकुश लगाने का पाठ पढ़ाता है। ये तो ही व्यवहारिक अहिंसा। अब इसको हम बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अहिंसा को और किस तरीके से ज्यादा जी सकते हैं, अपने पारिवारिक धरातल पर, अपने सामाजिक धरातल पर। मेरी समझ से इस पर चर्चा करने के लिए मैं एक छोटी सी घटना कहता हूं, और यह घटना है सूफी संतों की। कहते हैं कि एक बड़े कुल का दर्जी संत बन गया, और संत भी बड़ा पहुंचा हुआ संत बन गया, प्रभाव भी इतना फैल गया कि राजा महाराजा तक उनके दर्शन करने के लिए आने लग गए। तो एक दफा उस महान संत के पास नगर का राजा पहुंचा, तो सोचा कि संत महर्षि के पास क्या भेंट लेकर जाऊं। फिर सोचा वे जन्म जात तो दर्जी रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें ऐसी अनमोल भेंट ले जाकर दूं कि जो भेंट उनके मूल स्वभाव से जुड़ी हुई हो। तो ये सोचकर वो अपनी ओर से एक सोने की कैंची बनाते हैं, उस पर हीरे मोती जड़वा देते हैं और ले जाकर महात्मा को भेंट करते हैं। महर्षि जैसे ही उस कैंची को देखते हैं,